हेलो दोस्तों, आज हम जो है 11th एनसीईआरटी में एनिमल किंगडम में सातवां फाइलम को पढ़ेंगे जिसका नाम है आर्थ्रोपोडा। देखते हैं फाइलम क्या है। आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा आर्थो वर्ड्स कहाँ से आया है? जॉइंट से। मतलब इसमें क्या है, जॉइंट पाए जाते हैं। और पोडा मतलब फूड या अपेंडेजेस, मतलब इनके पैरों में क्या है, जॉइंट्स पाए जाते हैं। मतलब और हमारे क्या है, आर्थ्रोपोड्स जो है हमारा फाइलम का सबसे बड़ा फाइलम माना जाता है, मतलब लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमेलिया, एनिमल किंगडम का सबसे बड़ा मतलब क्या है, फाइलम होता है ये। इसमें क्या है, इंसेक्ट्स होते हैं, इंक्लूड होते हैं। हमारे धरती पर क्या है, 2/3 क्या है, या 67% स्पीसीज ऑफ आर अर्थ। मतलब हमारे जो है, अगर हमारे में 100 अगर स्पीसीज पाई जा रही हैं, तो उसमें 67 स्पीसीज क्या है, हमारे आर्थ्रोपोड्स होती हैं। मतलब 10 में से क्या है, लगभग क्या है, 7 स्पीसीज क्या है, हमारे धरती पे आर्थ्रोपोड्स हैं। आर्थ्रोपोड्स में लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। और सिमेट्री कैसी, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जा रही है। और जो है फाइलम में क्या है, ट्रिप्लोब्लास्टिक जो है क्या है, ऑर्गेनिज्म होते हैं। सेगमेंटेड होती है और बॉडी क्या है, सिलोमेट होती है। इसमें बॉडी सेगमेंट पाए जा रहे हैं, मेटामर्स जो है, और क्या है, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें एक आया है, इसकी काइटनस जो है, इसको स्केल्टन इज मेटापॉप, जो इसका कवर जो इसकी जो बाहर का आवरण होता है वो काइटनस एक्सोस्केल्टन का बना होता है, काइटिन का बना होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स क्या क्या होते हैं। आर्थ्रोपोड्स में रेस्पायरेटरी ऑर्गन, जैसे हमारे में एनिमल हम लोग ह्यूमंस में क्या है, लंग्स पाया जाता है। और जो है आर्थ्रोपोड्स में क्या पाया है, गिल्स पाया जाता है, बुक गिल्स हो कहते हैं। और जो है बुक लंग्स भी पाया जाता है। कुछ में क्या है, ट्रेकल सिस्टम पाया जाता है। मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग क्या है, रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और इसमें जो है आर्थ्रोपोड्स की जो है बॉडी को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हेड, दूसरा रीजन क्या है, थोरेक्स, और थर्ड ऑप्शन क्या है, रीजन एब्डोमेन। मतलब हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन में क्या है, ये 3 भागों में इसकी बॉडी डिवाइड रहती है। नेक्स्ट देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, पाया जा रहा है ओपन टाइप, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और स्क्रीटी सिस्टम क्या है, मतलब आर्थ्रोपोड्स का स्क्रीटी सिस्टम क्या पाया जाता है, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स, मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स पाया जाता है। और हम लोग में जैसे स्क्रीटी सिस्टम क्या होता है, किडनी होता है। सेंस ऑर्गन्स, और इसमें सेंस ऑर्गन भी होते हैं, क्या है सेंस ऑर्गन, एंटीनी होता है। और आइज में सिंपल या कंपाउंड होते हैं। और इसमें एक स्टेटोसिस्ट होता है जो बैलेंसिंग ऑर्गन का कार्य करता है, मतलब किसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए। हमारे में सेंस ऑर्गन जैसे आइज हो गया, नोज हो गया, स्किन हो गई, और एयर हो गया, ये क्या है, हमारे सेंस ऑर्गन है। बट आर्थ्रोपोड्स में एंटीनी, आइज और स्टेटोसिस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है, मोस्टली डायोसियस, मतलब ये क्या है, मोस्टली क्या है, डायोसियस होते हैं, अधिकतर डायोसियस होते हैं। और डेवलपमेंट इसमें क्या है, डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। मतलब डायरेक्ट जो है बच्चे को जन्म दे सकता है, या तो इसके जो है लार्वल स्टेज एनिमल में पाई जाती है। वीवी पेरस होते हैं, वीवी पेरस इन दिस सेंस कि ये जो है जो फीमेल फीमेल जो है इंसेक्ट होते हैं वो क्या है, अंडे को अंडा देते हैं, उन्हें हम वीवी पेरस, ओवी पेरस कहते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा है, इंटरनल, मतलब इसमें फर्टिलाइजेशन कैसा हो रहा है, इंटरनल हो रहा है विद इन द बॉडी, बॉडी के अंदर। और इसमें जो है कुछ इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट को जो है रखा गया है, जैसे कि 3 हमने जो है इसमें जो है एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए गए हैं। एपिस, एपिस को हम क्या कहते हैं, हनी बी, हनी बी जो होता है ये इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट होता है। बॉम्बेक्स, बॉम्बेक्स में क्या होता है, बॉम्बेक्स एनिमल्स में सिल्क वॉर्म, मतलब ये सिल्क को बनाता है। और लेसिफर जो होता है, लैक इंसेक्ट कहते हैं, जैसे कि लाख, जैसे कि चूड़ियाँ शादियों में लाख का, जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं उसमें लेसिफर एनिमल्स क्या है, लाख बनाता है। और कुछ जो है वेक्टर का कार्य करते हैं, मतलब बीमारियों को ले जाने के लिए, बीमारियाँ कॉज करने के लिए क्या है, वेक्टर यूज़ करते हैं, जैसे कि एनाफिलीज मॉस्किटो हो गया, क्यूलेक्स हो गया, और एडीज, ये सब क्या है, वेक्टर, वेक्टर जो बॉर्न डिजीज होती हैं।
और हमारा एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स दिया गया है, ग्रिगेरियस पेस्ट। ग्रिगेरियस पेस्ट मतलब होता है ये जो हमेशा झुंड में होते हैं, मतलब ये जो है अपना शिकार अगर करने जाएंगे तो झुंड में जाते हैं। ग्रिगेरियस पेस्ट लोकस्ट, एग्जाम्पल क्या है इसका, लोकस्टा या लोकस्ट, मतलब जिसे हम तिलचट्टा या तिलचट्टा के नाम से जानते हैं, बोट वोट। और ये किसी जो है ग्रुप में किसी भी फसल को क्या है बर्बाद कर सकते हैं आसानी से, ग्रुप में जाकर तुरंत फसल को क्या है नष्ट कर सकते हैं। और एक टर्म्स है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल किसे कहते हैं, लिविंग फॉसिल इन द सेंस मतलब होता है कि हमारे लाखों या हजारों वर्ष में उस चीज़ में जो चीज़ लिविंग फॉसिल है उसमें कोई चेंज ना हुआ हो, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें काफ़ी लाखों या हजारों वर्ष से क्या है कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं, उसे हम लिविंग फॉसिल्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल एनसीईआरटी में दिया गया है लाइमुलस। लाइमुलस को ही हम किंग क्रैब कहते हैं, मतलब ये एग्जांपल हमारा किसका है, लिविंग फॉसिल का। और ग्रिगेरियस पेस्ट को हम लोकस या लोकस्ट या लोकस्टा के नाम से जानते हैं। और हमने इस एनसीईआरटी के कुछ जो है क्या है डायग्राम को मेंशन किया है, ये हमारा लोकस्ट है, लोकस्ट तिलचट्टा या कुछ तिलचट्टा बोलते हैं, और ये हमारी स्कॉर्पियन किंग है मतलब बिच्छू है, और ये हमारा बटरफ्लाई दिया गया है एनसीईआरटी में, और ये हमारा प्रॉन है, झींगा मछली जिसे हम नाम से भी जानते हैं। आई होप यह हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स करें, शेयर करें, और हमारी जो है अगली वीडियो को देखने के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।